हेलो एवरीवन, आज हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट को समझते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में सारे कैश रिसिप्ट और क्रेडिट साइड में सारे कैश पेमेंट्स को दिखाया जाता है जो उस साल के दौरान हुआ है, चाहे वो कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट उस साल के लिए हो या पिछले साल का हो या आने वाले साल के लिए हो। लेकिन अगर उस साल वो रिसिप्ट और पेमेंट हुआ है तो उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया जाएगा। डेबिट में सारा कैश रिसिप्ट दिखाया जाता है और क्रेडिट में सारा कैश पेमेंट्स दिखाया जाता है। तो सबसे पहले फॉर्मेट को समझते हैं कि इसके डेबिट में दो कॉलम रिसिप्ट का और अमाउंट का, और क्रेडिट में दो कॉलम पेमेंट का और अमाउंट का। और यहां ऊपर में लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जिस ऑर्गेनाइजेशन का बन रहा है उसका नाम, फॉर द ईयर एंडिंग जिस साल के लिए बन रहा है। यहां पर मैंने लिख दिया 31 मार्च 2023। ठीक है, अब शुरू करते हैं डेबिट साइड से। तो डेबिट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक दिखाया जाता है। अगर अलग अलग दिया हुआ है तो कैश का बैलेंस दिया हुआ तो वो लिख दिया, बैंक का बैलेंस दिया वो लिख दिया इनर कॉलम में, फिर उसे जोड़कर बाहर में इकट्ठा दिखा दिया। उसके बाद हम लोग आते हैं, पहले रेवेन्यू रिसिप्ट देखते हैं, फिर रेवेन्यू पेमेंट कैपिटल रिसिप्ट देखेंगे। क्या है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल और रेवेन्यू दोनों ही नेचर के रिसिप्ट और पेमेंट को दिखाया जाता है। तो भाई डेबिट में सारा रिसिप्ट देख लेते हैं पहले। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा, ये किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इनकम का मेन सोर्स होता है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन को दिखा देंगे। अब सिर्फ सब्सक्रिप्शन अगर ईयर वाइज दिया हुआ है तो उसे अलग अलग साल दिखा देंगे, जैसे प्रीवियस ईयर का, करेंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का यहां पे दिखा दिया, फिर इसे इकट्ठा जोड़कर यहां पे लिख दिया। और अगर ईयर वाइज नहीं दिया हुआ है तो फिर सीधा इस टू सब्सक्रिप्शन लिखकर यहां पे लिख देंगे। उसके बाद में एंट्रेंस फी, उसके बाद में जनरल डोनेशन एंड ग्रांट, उसके रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट, उसके बाद इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव, उसका सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, उसके बाद में सेल ऑफ ओल्ड कंज्यूमेबल स्टोर, उसके बाद में रेंट रिसीव, उसके बाद में संडे रिसीव, उसके बाद में लॉकर रेंट, ये सारा रेवेन्यू रिसिप्ट है ना। उसके बाद में क्या बताया मैंने, लॉकर रेंट, उसके बाद में इनकम फ्रॉम रिफ्रेशमेंट और कैंटीन। ठीक है, तो ये सारा रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब कैपिटल रिसिप्ट में आते हैं, टू एंडोमेंट फंड रिसिप्ट, उसके बाद में टू लीगेसी, उसके बाद में टू लाइफ मेंबरशिप फी, उसके बाद में टू डोनेशन और ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब ये देखना, डोनेशन और ग्रांट रेवेन्यू रिसिप्ट में भी है और यहां भी है, पर फर्क क्या है, वहां पे सिंपल लिखा हुआ जनरल डोनेशन एंड ग्रांट है ना, तो वो भी रिसिप्ट है। और अगर डोनेशन और या ग्रांट जो है किसी स्पेसिफिक पर्पस से है, सपोज डोनेशन फॉर बिल्डिंग है ना, या डोनेशन फॉर गवर्नेंस पार्टी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मतलब तो कोई उद्देश्य, कोई स्पेसिफिक पर्पस दिया है, तो वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है, तो उसे भी लिखेंगे यहां पे। उसके बाद में टू सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, इसका भी वही बात है, ऐसे सब्सक्रिप्शन है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है, पर सब्सक्रिप्शन किसी पर्पस से लिखा हुआ है कि इस वास्ते इसलिए सब्सक्रिप्शन है तो वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। उसके बाद में आता है रिसिप्ट, रिसिप्ट फॉर स्पेसिफिक फंड, किसी फंड के लिए कुछ रिसिप्ट मिला है, कुछ प्राप्त हुआ है पैसा, तो उसे वो भी कैपिटल रिसिप्ट है। फिर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट जो लग रहा है यूजलेस हो गया, अब हमारे लिए यूज में नहीं है या किसी भी कारण से बेचा जा रहा है, तो उससे होने वाला रिसिप्ट हमारा कैपिटल रिसिप्ट है। फिर उसके बाद में है टू बैलेंस सीडी बैंक, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम लोग क्रेडिट में पेमेंट साइड डिस्कस कर लेते हैं। रिसिप्ट साइड का देख लिया हम लोगों ने, अब पेमेंट साइड में देखते हैं। तो पेमेंट साइड में बाय बैलेंस बीडी बैंक ओवरड्राफ्ट, कभी कभी होता है कि ओपनिंग बैलेंस में कैश और बैंक का बैलेंस ना होकर हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक से हमने ज्यादा पैसा निकाल लिया, जितना हमारा था उससे ज्यादा पैसा निकाल लिया, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये कर्ज हो गया हमारे ऊपर, तो उस केस में टू बैलेंस बीडी ना होकर यहां पर हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस हमारा बाय बैलेंस बीडी बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद में सारा पहले रेवेन्यू पेमेंट दिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कैपिटल पेमेंट देखेंगे। तो रेवेन्यू पेमेंट में क्या, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाय न्यूज़पेपर, पेरियोडिकल्स एंड मैगजीन्स, उसके बाद बाय रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, उसके बाद बाय एडवर्टीजमेंट, उसके बाद बाय चैरिटी दान दिया, उसके बाद में बाय सैलरीज, ऑनरेरियम एंड वेजेस। ठीक है, उसके बाद बाय एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, उसके बाद में बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसके बाद बाय मोबाइल एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, उसके बाय रेंट पेज, अगर रेंट दे रहे हैं तो ये रहेगा पेमेंट साइड में, ये सारा अभी हम लोग रेवेन्यू पेमेंट देख रहे हैं। उसके बाद बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, उसके बाद
बाय कन्वेंस एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंस, उसके बाय म्यूनिसिपल टैक्स, उसके बाय अपकीप ऑफ लॉन और गार्डनिंग। अगर उस क्लब या ऑर्गेनाइजर के पास में लॉन है या गार्डन है तो उससे मेंटेन करने के लिए जो खर्च हो रहा है तो वो हो गया अपकीप ऑफ लॉन और गार्डनिंग। उसके अंदर बाय रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, उसके अंदर बाय सन्ड्री और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये सारा रेवेन्यू पेमेंट का पार्ट हो गया। उसके अलावे हो सकता है बाय बुक्स, किताब खरीदा उसने, तो ये यहां से आता है, ये सारा कैपिटल पेमेंट है ना। तो बाय बुक्स, बाय फिक्स्ड एसेट, कोई फिक्स एसेट परचेज किया है तो वो ठीक है। उसके अलावा बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा तो वो खर्च, या बाय इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट किया तो उस इन्वेस्टमेंट को यहां पे दिखाएंगे, और लास्ट में बैलेंस है। तो बैलेंस अब हम लोग समझते हैं बैलेंस को। तो बैलेंस में क्या है कि अगर रिसिप्ट का साइड ज्यादा हो रहा है, कैश आया हमारे पास ज्यादा और पेमेंट का साइड कम है, मतलब खर्च कम किया हमने, पेमेंट कम किया हमने, रिसिप्ट ज्यादा हुआ है पेमेंट कम हुआ है, तो बैलेंस यहां पे आएगा, वो बैलेंस होगा बाय बैलेंस सीडी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पेमेंट ज्यादा हुआ है रिसिप्ट कम हुआ है, तो उस केस में जो बैलेंस निकलेगा हमारा टू बैलेंस सीडी बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट को समझा। अब इस पर हम लोग आगे के वीडियो में एक दो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाकर देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियोस पसंद आ रहा है तो इन्हें लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।